क्या गुर्जर की जीत का विपुल बन सकते हैं रोड़ा? क्या विपुल गोयल खड़ी करेंगे बीजेपी आलाकमान की खाट? समर्थकों में भारी नाराजगी, अब विपुल करेंगे बड़ा फैसला। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा की 78 प्रत्याशियों की सूची से राज्य के दो हैवीवेट मंत्रियों विपुल गोयल और राव नरबीर सिंह काट दिया गया है। इस कदम ने सबको चौंका दिया और हरियाणा की राजनीति में हलचल मचा दी। दरअसल उन पर राजनीति के दो धुरंधर खिलाड़ियों का दांव भारी पड़ गया। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत और कृष्णपाल गुर्जर भले ही अपने परिवार के सदस्यों को टिकट दिलाने में कामयाब नहीं हुए, लेकिन उन्होंने अपने बड़े राजनीतिक विरोधियों को चारों खाने चित कर दिया है। फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र में विपुल गोयल, केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और गुरुग्राम संसदीय क्षेत्र में राव नरबीर सिंह केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत के लिए अक्सर राजनीतिक परेशानियां खड़ी करते रहे हैं। बता दें कि राव और गुर्जर दोनों का ही अपने अपने क्षेत्रों में मनोहर सरकार के मंत्रियों राव नरबीर सिंह और विपुल गोयल से 36 का आंकड़ा रहा है। मोदी का जब संगठन के पदाधिकारियों को ये निर्देश दिया गया कि संबंधित क्षेत्र के सांसदों की राय पर ही विधानसभा क्षेत्र के टिकट वितरित किए जाएं, तो राव इंद्रजीत सिंह ने सबसे पहले अपने प्रतिद्वंदी राव नरबीर सिंह और कृष्णपाल गुर्जर ने विपुल गोयल के टिकट पर कैची चलवा दी। सूत्र बताते हैं कि मोदी ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की सलाह पर यह अंतिम फैसला दिया था कि सभी विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्याशी वहां के सांसदों की संस्तुति पर ही दिए जाएंगे। शाह ने प्रधानमंत्री के आदेश के पालन की जिम्मेदारी रात में ही संगठन महामंत्री बीएन संतोष, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर समेत खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तय की कर दी। यही कारण रहा कि हरियाणा के प्रत्याशियों की तैयार सूची की घोषणा पहले रोक दी गई थी। बता दे चले कि विपुल गोयल एक ऐसा नाम है जो जनता के बीच बेहद लोकप्रिय हैं। दर्शन पिछली बार विधानसभा का टिकट कटने के बाद पीपल गोयल के समर्थकों में भारी नाराजगी देखने को मिली थी। उन्होंने अपने मंत्री काल के दौरान विकास कार्यों की झड़ी लगा दी थी, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी ने उनकी टिकट काट दी और उन्हें संतोष करके पूरे 5 साल निकालने पड़े। लेकिन लोकसभा में दोबारा से उनकी टिकट काट दी गई, एक बार फिर उनके समर्थक गहरी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। समर्थकों का कहना है कि इस बार हमें पक्का यकीन था कि विपुल गोयल को फरीदाबाद लोकसभा सीट से भाजपा अपना उम्मीदवार बनवाएगी और उन्हें टिकट देगी, लेकिन एक बार फिर विपुल गोयल को नाराज कर दिया गया और उनकी टिकट काट दी गई। लेकिन अब कई संभावनाएं बन रही हैं। दिन से एक बड़ा परिवर्तन भी आ सकता है। विपुल गोयल अब क्या फैसला लेते हैं? क्या विपुल गोयल भारतीय जनता पार्टी से बगावत करेंगे या पिछली बार की तरह संतोष करके बैठ जाएंगे? क्या विपुल गोयल निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं या फिर किसी बड़ी पार्टी का दामन थामकर चुनावी मैदान में ताल ठोक सकते हैं? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि विपुल गोयल अपनी दो बार घाटी गई टिकट के चलते आखिरकार क्या फैसला लेते हैं। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। सर्वोदय टीवी के लिए संजीव राठौड़ की रिपोर्ट।